नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक मेरा कहानी सुनाऊंगा जो कि डीजे से रिलेटेड था। मैंने कैसे 11,000 मतलब 11,000 से डीजे की शुरुआत की थी। अब मेरे पास लगभग 2,00,000 का है। लगभग एक साल में मैंने पैसा कहां से मिला मुझे और कहां से इनकम करता था मैं, टोटली आज का वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगा। क्योंकि आज भी आप भी छोटे डीजे सेटअप है या बड़े हैं, आपका भी कुछ डीजे से रिलेटेड आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं या डीजे वाले बनना चाहते हैं तो आज मेरा वीडियो देख लेना। मेरा वीडियो देखने के बाद आप भी कुछ एक समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आप भी कुछ जानेंगे और आपको भी कुछ सीख मिलेगा, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, दोस्तों मैंने सिर्फ 11,000 रुपये था, वो 11,000 भी बहुत मुश्किल से मुझे मिला था। ठीक है, बहुत मुश्किल से 2 या 3 साल काम करने के बाद मुझे 11,000 मिला था। तब मैं छोटा ही था, आज से 2 साल पहले था जो मैंने पैसा मिला था। ठीक है, शुरू करते हैं दोस्तों जो कि मैंने 11,000 का सेटअप लाने का कैसे सोचा, मैं साउंड सिस्टम से आया कैसे। ठीक है, कुछ पार्टी था, शायद न्यू ईयर का पार्टी था, जब मैं आपको छोटा छोटा हम लोग के यहाँ पर साउंड सिस्टम मिलता है, जैसे कि आप देख सकते 100 वाट का छोटा वाला बॉक्स है, ठीक उसी तरह हम लोग के यहाँ पर बाहर में मिलता था। ठीक है, हम लोग में सोचा कि पार्टी करने के लिए 7 दिन पहले 500 रुपये एडवांस दे के रखा था एक यहाँ पर साउंड सिस्टम वाले को। ठीक है, 7 दिन पहले हम लोग के यहाँ पर एडवांस दे के रखना पड़ता था, जो कि न्यू ईयर पार्टी के लिए, मतलब जो न्यू ईयर पार्टी सभी मनाते थे यहाँ पर नहीं मिलता है ना, इसलिए हम लोगों ने 5 दिन पहले मतलब 7 दिन पहले मैंने हम लोगों ने मतलब कलेक्शन करने थे, तो 50, 20, 50 कुछ ऐसा कलेक्शन करके हम लोग पार्टी खाते थे, तो साउंड सिस्टम के लिए हम लोगों ने 500 रुपये एडवांस दिया था। जब पार्टी के दिन हम लोग लेने के लिए गए तो नहीं था, मतलब वो वाला जो हम लोगों ने चॉइस किया था नहीं था, उससे भी खराब वाला था, जो कि उनको हम लोग 700 रुपये दे के लाया था। ठीक है, तब से मैंने क्या सोचा, शायद हम भी डीजे का काम कर सकता हूँ। ठीक है, ये इतना दाम बोल रहा है, ठीक है इस दाम बोल रहा है तो मैं मेरा घर के सामने जो भी पार्टी वगैरह चलेगा तो मैं उसे मैनेज करूंगा बोलकर मैंने उस दिन से ठान लिया था कि मैं एक डीजे लूंगा। ठीक है, उस दिन से मैंने ठाना था डीजे ले लूंगा बोलकर, जो कि हम लोग के यहाँ पर गन्ने का खेती होता था। मैं खुद 1 बीघा मतलब 1 एकड़ होता है शायद, मतलब 1 बीघा मिट्टी के अंदर मैंने मेरे खुद का गन्ने का खेत लगाया। ठीक है, दो साल लगाने के बाद उससे मुझे 11,000 मतलब 11,000 मुझे उससे मिला। उस 11,000 के पास में मैंने क्या किया, ये वाला आपको जो टॉप था मतलब ये स्पीकर सिंगल 12 का, ये MR का था, ये मैंने 4,000 में लिया, जो आपको दिख रहा है ऊपर आहूजा का DPA 570 एम्पलीफायर, वो मैंने आपको लिया था 7,000 में, मतलब 7,000-11,000 हो गया कुछ इस तरह मैंने यहाँ पर लिया। पर लाने के बाद मुझे भाड़ा नहीं मिला, मेरा था बोलकर कोई नहीं जानता था। ठीक है, 2-1 साल तो मुझे ऐसे ही गुजर लिया, पर यहाँ पर छोड़ धीरे 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 करके मैंने एक सेकेंड हैंड बॉक्स लिया, जो कि आप नीचे में है अभी ये देख सकते हैं, ये कांट का है पर जबरदस्त बचता है, आहूजा वाला का है। ठीक है, मैंने उसे लिया। ठीक है, उसे लेने के बाद थोड़ा थोड़ा मेरे जानकारी ली, मैंने कुछ पैसा अर्न किए उसे दहाड़े में देते देते, और मैं खुद पार्ट टाइम जॉब करने लगा। ऐसे कुछ करते करते मैंने यहाँ पर आपको लिया यूनिवर्सल का 120 लिया, यूनिवर्सल का 300 वाट का लिया, कुछ बैटरी वगैरह लिया, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बैटरी वगैरह भी आपको साइड में स्क्रीन पर देख लेना, कुछ बैटरी वगैरह लिया। आप जो भी मेरे सेटअप में आप देख रहे हैं टोटली डीजे सेटअप मैंने वहीं से खरीदा। ठीक है, मतलब उससे जितना आज 500 रुपये के भाड़े में गया तो 200 रुपये पॉकेट खर्चा रखता था, 300 रुपये मैं जमा करके रखता था, उस करके मेरे पास 2.5-1.5 लाख का डीजे सेटअप हो गया मुझे मेरे पास फिलहाल। अभी मैं वायरिंग करने लगा, जो शादी ब्याह में वायरिंग करने लगा, लाइट वगैरह मैंने खरीदा, मतलब वायर वगैरह टोटली मेरे पास अभी है फिलहाल के टाइम में। मैं अब मतलब आज भी मैं अभी थोड़ी देर बाद भी मतलब वायरिंग करने के जाऊंगा। ठीक है, मैंने कल वायरिंग करा था, कुछ 2 लाइट मतलब 2 बल्ब मुझे कम बोला था, मैं भी जाऊंगा थोड़ी देर बाद। आप मतलब जो कि आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, जो हम शादी के घर में जा रहा था, इससे पहले जो अपलोड हुआ था, इस वीडियो को आपने देखा भी होगा। ठीक है, उस तरह मैंने यहाँ पर शुरुआत की थी,
पर मैंने कभी भी हार नहीं मानी कि हाँ मतलब आज पैसा नहीं है, डीजे से काम छोड़ दूँ, मतलब मैंने कभी भी हार नहीं माना। जहाँ पर ले जाता भाड़ा में कुछ कॉर्ड हरा देता था, मतलब जो मोबाइल से जैकिंग था वो हरा देते थे, कुछ खराब कर देते, कुछ इससे मतलब ऐसा होता ही रहता है डीजे के बिजनेस में। ठीक है, आप लोग भी यदि सच्चे मन से चाहो तो कुछ सब कुछ कर सकते हो, पर एक साथ नहीं करना। आपके पास एक साथ पैसा है तो आप कर सकते हो, जैसे कि मेरे जैसे आदमी जो मेरे साथ पैसा नहीं था तो मैंने एक साथ नहीं कर सका, मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। फिर भी अभी भी मेरे पास ज़्यादा बड़ा वाला डीजे सेटअप नहीं है। ठीक है, मैं YouTube में वीडियो डालता हूँ, किसी भाई का वीडियो डालता हूँ, किसी भाई ने एम्पलीफायर बेचता है तो उसको वीडियो डाल देता हूँ। ठीक है, कोई यूट्यूबर्स ऐसा होते हैं जो कि किसी भाई का एम्पलीफायर या कुछ भी डीजे सेटअप बेचने का वो चार्ज लेते हैं, पैसा लेते हैं, पर मैं ऐसा नहीं करता। मेरे पास सच्चा दिल है और मैं भी गरीब हूँ, आप भी गरीब हो। ठीक है, मैं किसी का एक रुपया भी पैसा मैं उधार फ्री में नहीं लेता। ठीक है, ये मेरा सच्चाई बात है। ठीक है, और जो भाई भी मुझसे हेल्प मांगता है, जो हो सकता है मैं उस भाई को हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो इतना ही है। ठीक है, मैं अगले वीडियो मतलब 2-3 दिन का जो वीडियो आएगा, आप लोग कमेंट करते हैं तो मेरा लाइफ स्टाइल के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, मैं कितना पढ़ाई किया हूँ, कहाँ से क्या किया हूँ, मतलब क्या क्या करता हूँ पार्ट टाइम जॉब, मुझे पैसा कहाँ पर मिलता है, मैं कितना कमाता हूँ, इसके लिए जो आप मुझे कमेंट करना होगा, उसी कमेंट के लिए मैं इंतज़ार करूँगा। उस कमेंट का वीडियो आने के बाद मैं आप सभी को बताऊँगा। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही था दोस्तों। आप लोग अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिएगा। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा यदि ये मेरा थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच दोस्तों।